Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग National Institute of Open Schooling का secondary course Psychology का module 4 Social Psychological Processes lesson 15 Attitudes, Beliefs and Social Cognition पढ़ने जा रहे हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. Hello dear learner of NIOS. We are going to cover section 15.2 Formation and Change of Attitudes. By now, you have understood that attitudes are basically learned through interaction with others and personal experiences. Usually, children acquire the attitudes of their parents. Has your mother warned you not to talk to strangers? Are you as religious as your grandparents and parents? Attitudes are the result of many different influences, yet the common aspect is that it is acquired through different types of learning. तो अब तक तो आप समझ गए होंगे कि जो attitudes है वो basically हम लोग interactions, जब दूसरे से interaction करते हैं और जो हमें personal experiences मिलता है उससे हमारे अंदर develop करता है. जो बच्चे होते हैं उनका attitudes वो कहाँ से acquire करते हैं? अपने parents से. क्या आपकी माँ आपको कभी warn नहीं किए कि हम आपको जो है वो कभी भी किसी stranger से बात नहीं करना चाहिए? क्या आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स के जैसा रिलीजियस नहीं है? जो एटीट्यूड्स है वो किसका रिजल्ट है? अलग अलग इन्फ्लुएंसेस जो कि आपको जहाँ से आप इंट्रैक्शन करते हैं वहाँ से आपको एटीट्यूड्स मिलते हैं, और ये जो एटीट्यूड्स है उसके कॉमन एस्पेक्ट होते हैं. ठीक है, और हम लोग इसको कैसे सीखते हैं? अलग अलग तरीकों से सीखते हैं, कभी पेरेंट्स से, कभी ग्रैंड पेरेंट्स से जिनसे हम लोग इंट्रैक्ट कर रहे होते हैं, फ्रेंड से, नेबर से. Direct contact. In an earlier lesson, you have learnt about how a neutral object gets associated with an established stimulus response. Repeated association with this stimuli evokes positive or negative feelings. The attitude object now comes to have the same feelings. This involves classical conditioning. Strong smells, tastes and sensory information can bring about strong emotional responses. For example, if a child eats sprouts and dislikes it, there are chances that this dislike will be generalized to other food items similar in color and taste. तो हम लोगों ने earlier lesson में क्या पढ़ा है कि जो neutral objects होता है वो किससे associated होता है? Stimulus response से. ये जो repeat association होता है वो stimulus से evokes करता है, और हमारा जो feelings होता है वो positive या negative की ओर जाता है. ये जो attitude object है वो हमारे same feelings से आता है. इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग, आपको ये चीज़ जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो लेसन 5 में मैंने पढ़ाया है, उस वहाँ पे जाके देखिएगा उस वीडियो में कि क्लासिकल कंडीशनिंग है क्या. ठीक है, इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग इन्वॉल्व रहता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में. स्ट्रॉन्ग स्मेल्स, टेस्ट, सेंसरी इन्फॉर्मेशन, ये सब क्या करता है? हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्सेज को बाहर लाता है. एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई बच्चा है उसने स्प्राउट्स खा लिया, ठीक है, और उसको उसने डिसलाइक करा, तो क्या होगा? वहाँ पे चांसेस बना रहेगा कि अगर वो उस टाइप का कोई भी फूड को देखता है जो सेम कलर का हो या टेस्ट का हो, तो वो उस चीज़ को भी डिसलाइक ही करेगा. डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय पेरेंट्स, टीचर्स और लीडर्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक एटीट्यूड्स. पेरेंट्स टेल देयर चिल्ड्रन नॉट टू स्मोक एंड ड्रिंक बिकॉज इट इज अनहेल्दी. टीचर्स मे ऑल्सो रिइंफोर्स दिस एटीट्यूड. द चाइल्ड मे डेवलप अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग. तो आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भी मिलता है, आपके पेरेंट्स, टीचर्स या जो लीडर्स है वो आपको लीड करते हैं, आपके अंदर एक स्पेसिफिक एटीट्यूड्स को फॉर्म करते हैं. जो आपके पेरेंट्स है वो क्या बोलते हैं कि हमें स्मोक नहीं करना चाहिए, ड्रिंक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अनहेल्दी होता है. जो टीचर्स है वो भी यही चीज़ बोलते होंगे. तो जो बच्चा है जो उस बात को सुन रहा है वो क्या करेगा? एक निगेटिव एटीट्यूड को डेवलप करेगा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के अगेंस्ट में, यानी कि वो स्मोक और ड्रिंक नहीं करेगा. Interaction with others. We are usually in the company of others and adopt attitudes similar to the group we belong to. For example, if your group of friends think it is cool to wear black jeans and shirts decorated with chains, you may think it cool to be dressed in such clothes. Also, if your friends think it cool to smoke and drink, then you may not listen to your parents and teachers but agree with the peer group. You choose such a way of behaving as this behavior is reinforced by the reward you get from your friends, that is praise, approval and acceptance as a group member. Further, such actions make you feel good.
increase your self-esteem and make your attitude even stronger. The use of rewards involves instrumental learning, see lesson 5. By controlling rewards and punishments, children are taught specific attitudes. अब क्या होता है कि हम लोग दूसरों के साथ में हमेशा रहते हैं और उनके साथ रहते रहते उनके एटीट्यूड्स को भी अडॉप्ट कर लेते हैं जिस ग्रुप से हम लोग बिलोंग करते हैं. एग्जाम्पल के लिए आपका जो एक दोस्त है वो क्या सोचता है कि काले जीन्स के साथ जो शर्ट है जिसमें बहुत सारे चेन्स रहेंगे डेकोरेटेड, उसको पहनना कूल लगता है. या फिर तो आप क्या सोचिएगा, जो आपके दोस्त है वो ऐसा जब सोच रहे तो आपको भी लगेगा कि हाँ मेरा जो दोस्त है वो सही बोल रहा है और ये चीज़ कूल लगेगा मेरे ऊपर भी ऐसे जब मैं पहनूंगा. अगर आपका फ्रेंड बोलेगा क्या स्मोक और ड्रिंक करना कूल है तो आप क्या सोचोगे, हाँ ये सच में कूल है. आप उसके बाद अपने पेरेंट्स या टीचर के बातों से एग्री ना होकर के अपने ग्रुप के मेम्बर से एग्री होगे, अपने फ्रेंड के मेम्बर से, फ्रेंड जो है आपके ग्रुप में उनसे आप एग्री करोगे और आप उसी तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर दोगे. क्योंकि ये जो बिहेवियर है वो आप जिस ग्रुप में रह रहे हो वहाँ से आपको रिइंफोर्स किया जा रहा है और ये जो चीज़ें वो आपके ग्रुप में अप्रूव हो चुका है, एक्सेप्टेंस मिल चुका है, इसको प्रेज मिल चुका है. तो आप भी ऐसे एक्शंस में गुड फील करोगे और आपका जो सेल्फ एस्टीम होगा वो इंक्रीज होगा और आपका जो एटीट्यूड है स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के बारे में वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा और आप उस चीज़ को यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे. जो रिवॉर्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, वो हम लोगों ने लेसन 5 में पढ़ रखा है. आप वहाँ से जाके वीडियो चेक कर ले हम लोग के यूट्यूब चैनल पे. हम लोग का जो भी रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट है बच्चों का वो एक स्पेसिफिक एटीट्यूड से सिखाया जाता है. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, अब जो है बच्चे वो ऑब्जर्व करके किसी को देख करके भी सीखते हैं. Attitudes are often learned through observation of other people's actions. As a child, do you remember how your grandparents sang bhajans every day during prayer time? As a young adult, you may also now enjoy such songs. Or how did your mother react when she saw a stray dog? If she showed fear and an attempt to run away from the dog, it is likely that you may also have developed the same attitude. जो attitudes हैं, वो हम लोग observe करके भी अपने अंदर develop करते हैं. जब आप बच्चे थे तो क्या आपको याद है जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे वो कैसे भजन को प्रेयर के टाइम में गाया करते थे हर दिन? तो जब आप एडल्ट हो गए, बड़े हो गए, तो शायद आप उस गाने को आज इंजॉय करते होंगे. या फिर जो आपकी माँ है, जब वो एक गली में डॉग को देख लेती थी तो वो जैसे रिएक्ट करती थी, आप भी उस चीज़ को अपने अंदर डेवलप कर लिए होंगे. जैसे कि अगर माँ आपकी डर के उस डॉग से भाग रही हैं तो शायद आप भी उस डॉग को देख करके डर के भाग रहे हो क्योंकि आपने सेम एटीट्यूड को अपने अंदर डेवलप कर लिया. इन एडिशन द एजुकेशनल सिस्टम मीडिया, पार्टिकुलरली टेलीविजन, मूवीज, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर ऑल इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन. बिलोंगिंग टू एन इम्प्रेसनेबल एज, चिल्ड्रन बिलीव इन व्हाट दे वॉच ऑन द टीवी. Advertisers take advantage of this and try to get children to form specific attitudes towards what they want to sell. As you have noticed, almost all companies and organizations spend a lot of money on advertisement aimed at persuading people for change in their attitude. Inse alaba, educational system, media, particularly kya? Television, movies, magazines, newspapers, ye sab bhi hum logon mein attitude information एटीट्यूड फॉर्मेशन में हम लोगों को हेल्प करती है. हम लोग इससे भी प्रभावित होते हैं. ठीक है, जैसे कि जो बच्चे हैं वो टीवी पे जो भी एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं और उसको वो कॉपी करने की सोचते हैं, वो उससे इन्फ्लुएंस होते हैं. ठीक है, उससे प्रभावित होते हैं. ठीक है, एंड आपने नोटिस भी किया होगा कि जितने भी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं ताकि वो लोगों के एटीट्यूड को चेंज कर सके और वो लोगों को विश्वास दिला सके कि जो उनका प्रोडक्ट है वो सही है और जो लोग हैं उस चीज़ को खरीदने पर मजबूर हो जाएं. एटीट्यूड चेंज, वी हैव लर्न्ड अबाउट द नेचर ऑफ एटीट्यूड एंड हाउ एटीट्यूड्स आर फॉर्म्ड. नो डाउट एटीट्यूड्स वंस फॉर्म्ड आर डिफिकल्ट टू चेंज. यस, बिकॉज एटीट्यूड्स आर लर्न्ड, दे कैन ऑल्सो चेंज विद न्यू लर्निंग. एटीट्यूड चेंज डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स. तो हम लोगों ने एटीट्यूड के नेचर के बारे में पढ़ा कि जो एटीट्यूड्स है वो कैसे उसका निर्माण होता है. और इसमें कोई शक नहीं है कि एक बार जो एटीट्यूड्स हमारे अंदर बन जाता है उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है. और क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि जो एटीट्यूड्स है हम लोगों ने सीखा है अपने आसपास से और ये जो एटीट्यूड चेंज करने का जो तरीका है उसके लिए कुछ फैक्टर्स यहाँ पे दिए हुए. सोर्स, द पर्सन हु डिलीवर्स द मैसेज इज कॉल्ड द कम्युनिकेटर.
The probability that you will change your attitude is higher if the message is conveyed by experts who are considered to be trustworthy, attractive and similar to the person receiving the message. Thus, if the cricketer Sachin Tendulkar says that a particular drink gives him energy, the target audience is likely to be young children who consider him as a role model in the field of sports. They are likely to buy the drink because they assume that they would be able to play like him. तो जो पर्सन मैसेज को डिलीवर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिकेटर. द पर्सन हु डिलीवर्स द मैसेज इज कॉल्ड द कम्युनिकेटर. वैसा पर्सन जो मैसेज को डिलीवर करे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कम्युनिकेटर. और शायद वो आपके एटीट्यूड को अपने मैसेज के द्वारा चेंज कर सके. जैसे कि कोई एक्सपर्ट है, ठीक है, और वो भरोसेमंद है, अट्रैक्टिव है और वो आपके जैसा ही सोचते हैं या फिर आप उनके जैसा सोचते हैं, ठीक है, तो आप उनकी बातों को तुरंत मानोगे. जैसे कि अगर जो क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर, उन्होंने कहा कि एक पार्टिकुलर ड्रिंक है जो उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, तो जो टारगेट ऑडियंस है, जो स्पेशली जो यंग चिल्ड्रेन हैं जो उनको एज अ रोल मॉडल मानते हैं स्पोर्ट्स की फील्ड में, वो क्या करेंगे? उस ड्रिंक को जाके खरीदेंगे और क्या सोचेंगे कि अगर मैं भी ये ड्रिंक पीऊँगा तो मैं भी सचिन तेंदुलकर के जैसा खेल पाऊँगा, ठीक है. मैसेज. The nature of message is important because it provides the information for attitude change. The message should be clear and well organized. Messages that produce anxiety and fear are more effective. Thus, an advertisement on soap may explain that perspiration from body results in bad odor and your friends will turn away from you. Or if you have a bath with a particular soap, then you are likely to be flooded with friends. अभी क्या है कि कुछ मैसेज का जो नेचर है वो कैसा है उसकी भी इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि आपके एटीट्यूड चेंज करने के लिए जो मैसेज का नेचर है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है. तो जो मैसेज होना चाहिए वो क्लियर और वेल ऑर्गेनाइज्ड में होना चाहिए, ठीक है. जो मैसेज है वो किसी चीज़ के प्रति, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति आप में एंग्जाइटी डालता है, आप में डर पैदा करता है. जैसे कि एक पार्टिकुलर सोप का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है और उसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है कि आपसे जो परस्पिरेशन, जो आपसे स्वेटिंग हो रहा है, जो आपसे पसीना निकल रहा है, वो उसमें बहुत ज़्यादा बैड एडर है, वो गंदा स्मेल कर रहा है, तो आपके जो दोस्त हैं वो आपसे दूर भागेंगे. अगर आप उस पर्टिकुलर सोप से नहाओगे तो आप अपने फ्रेंड के साथ मस्ती कर पाओगे. पर्सन. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन whose attitude is to be changed plays an important role in attitude change. Attitudes that are strong, personally important, complex and interconnected are difficult to change. Thus, your attitude towards family would be difficult to change rather than preference of a soap or drink. तो किसी person के प्रति जो उसका characteristic आप देखते आ रहे हो उसके प्रति आपका attitude change करना बहुत मुश्किल होगा. अगर वो person जो आपके लिए important role play कर रहा है तो उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है. एटीट्यूड्स उसके लिए स्ट्रांग बन जाता है, पर्सनली इंपॉर्टेंट बन जाता है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है. और आप एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हो तो उस एटीट्यूड को चेंज करना भी बहुत मुश्किल होता है. और आपका जो एटीट्यूड है आपकी फैमिली के प्रति उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है. जैसे कि आपने सोप का प्रेफरेंस देखा था अभी या फिर ड्रिंक का, उसमें आपने अपना एटीट्यूड तो चेंज कर लिया, लेकिन अगर आपको कोई कितना भी आपको आके बोल दे आपके फैमिली के बारे में तो आपका एटीट्यूड नहीं चेंज होगा, बिकॉज आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड हो, पर्सनली वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपका जो उनका आपका और उनका जो इंटरकनेक्शन है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. दस हु कम्युनिकेटर्स इज व्हाट मैसेज टू होम पर्सन फॉर होम द कम्युनिकेशन इज मेंट फॉर विल डिटरमाइन वेदर एटीट्यूड चेंज विल टेक प्लेस और नॉट. What other people say and do has an effect on us. The advertising industry's aim is to change attitudes towards a particular product or services. They use these three aspects of attitude change in their advertisements. जो कम्युनिकेटर होता है मैसेज को कम्युनिकेट करने वाले मैसेज बताते हैं, और किसको करते हैं? जो हम लोग जैसे सुनने वालों को. और ये डिटरमाइन क्या करता है कि आपका जो एटीट्यूड है वो एक पार्टिकुलर चीज़ के बारे में वो एटीट्यूड कैसा होना चाहिए. जो लोग कहते हैं उसका हम लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है. ये जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है उसका क्या लक्ष्य होता है कि एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट या पार्टिकुलर सर्विसेज के प्रति जो भी लोग हैं, आम जनता है, उनका एटीट्यूड चेंज हो. और वो क्या करते हैं, इस एटीट्यूड एस्पेक्ट्स को अपनाते हैं और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों के एटीट्यूड को चेंज करते हैं. हेयर इज एक्टिविटी टू एटीट्यूड चेंज.
attitude change is possible when a massive place on the emotion of others. Select advertisements from television, newspaper or magazines about body image and target adolescents in the age group of 15 to 16 years. Analyze on the basis of three components of attitude. Which attitude component is most dominant in the advertisement message? जो attitude change करना है किसी का, तो ये possible है. कैसे पॉसिबल है? तो आपका जो मैसेज दिया जा रहा है वो आपके इमोशंस को लेकर के हो. आपको वैसे एडवर्टाइजमेंट्स को सेलेक्ट करना है टेलीविज़न, न्यूज़पेपर या मैगजीन से जो कि बॉडी इमेज के बारे में हो. और आपको क्या करना है, जो भी एडोलेसेंट 15 टू 16 इयर्स के एज ग्रुप के, उनको आपको टारगेट करना है. और आपको क्या एनालाइज करना है, थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड को. और ये जो एटीट्यूड कंपोनेंट है वो डोमिनेंट है एडवर्टाइजमेंट मैसेज में या नहीं, ये आपको चेक करना है. Now here is activity third, attitude change. Try to understand it by yourself. Here is in text question 15.2. Try to solve these questions. Well, chapter abhi complete nahi hua hai. Next video mein next topic cover up hoga. Tab tak ke liye is chapter ka in text question banane ka prayas kare. That's all for today. Thank you everyone.